अस्सलाम फ्रेंड्स, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की तीसरी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये डिस्कशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की इस एपिसोड में इंशाल्लाह आप याद कर सकेंगे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री के एंगल्स के लिए। इसके लिए हम एक चार्ट बना लेते हैं। वैसे तो आप इसको कैलकुलेटर पर भी मालूम कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर पर भी आप वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ज्यादा एडवांस कैलकुलेटर ना होने की वजह से उनके पास वैल्यूज फ्रैक्शन में नहीं आती, जबकि एग्जाम्स में इनकी वैल्यूज फ्रैक्शंस में रिक्वायर्ड होती हैं। और जिनके पास जरा ज्यादा वास्ट फंक्शंस होते हैं कैलकुलेटर में, उनके पास यकीनन ये फ्रैक्शन में भी आ जाता है। मगर बहरहाल, अगर आपको जबानी याद होगा तो आपका कैलकुलेटर पर वैल्यू का फंक्शन होने के बावजूद भी आपका वक्त बचेगा और आप जबानी आसानी के साथ वैल्यूज को लिखकर तेज तरीन अपने सवाल को कर सकेंगे। तो यहां पर सबसे पहले इन वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम एक चार्ट बना लेते हैं। जी फ्रेंड्स, अब यहां पर सबसे पहले हम 30, 45 और 60 डिग्री की वैल्यूज लिखने जा रहे हैं, और उसके लिए आपको बस एक नंबर याद करना होगा, 1 1 √3। होपफुली आपका नंबर याद हो गया होगा, बहुत आसान सा नंबर है 1 1 √3। यकीनन अब आप इसको भूलना चाहें भी तो नहीं भूल सकेंगे, क्योंकि बहुत आसान है 1 1 √3। इस 1 1 √3 को, अच्छा ये जो कॉलम है 0 डिग्री का, हम सबसे आखिर में फिल करेंगे। सबसे पहले हम दरमियान के 3 कॉलम फिल करेंगे, तो 1 1 √3 में साइन के आगे लिख रहा हूं। अब इसी को मैं घुमाकर कॉस के आगे लिख रहा हूं, यानी कि √3 1 1। फिर सीधा करके मैं टेन के आगे लिख रहा हूं, यानी कि 1 1 √3। फिर घुमाकर मैं टेन के आगे ये लिख रहा हूं, मगर डिनोमिनेटर्स में √3 1 1। मगर आप जानते हैं डिनोमिनेटर्स में हमारे लिखे नहीं जाते, इसलिए इसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने इसको मिटा दिया। तो tan की तो वैल्यूज कंप्लीट हो गई है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है, और tan 60 डिग्री √3 होता है। मगर अभी sin और cos की वैल्यूज को कंप्लीट होना बाकी है, तो यहां पर sin और cos की वैल्यूज को कंप्लीट करने के लिए हम सारे डिनोमिनेटर्स में 2 लिख देंगे। और आखिर में ये जो बीच वाले 2 हैं, ये क्योंकि बीच के स्पेशल हैं, इसलिए इन 2 पर आप रूट लगा दें। तो फाइनली हमारे पास 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज कंप्लीट हो। रही बात बाकी 3 फंक्शंस की, तो आप जानते हैं कि साइन, कॉस और टैन के सिंपल रेसिप्रोकल्स लेकर हम लिखना शुरू कर देंगे और बाकी वैल्यूज भी हमारे पास आती चली जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे अंदाज समझ आया होगा कि 1 1 √3, √3 1 1 1 1 √3, फिर √3 1 1 1 1, फिर डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, मिटा दिया हमने उसको, और फिर शुरू के दोनों रॉज में, यानी कि साइन और कॉस की वैल्यूज में हमने डिनोमिनेटर में 2 लगाया, और 2 लगाकर दरमियान वाले 2 पर हमने रूट लगा दिया। यू हमारे पास 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यूज मुकम्मल। अब हम 90 डिग्री के कॉलम को जरा फिल करते हैं, तो आप याद रखिएगा कि साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल होता है, यानी कि साइन 90 की वैल्यू खुद साइन में मौजूद है। अगर आप देखें तो साइन में जो आई है, रोमन में जो आई होता है, उसका मतलब 1 होता है। तो यहां पर साइन 90 डिग्री का मतलब 1 है। बिल्कुल वैसे ही कॉस 90 की वैल्यू कॉस में मौजूद है, आप देख सकते हैं कॉस में 0 यहां पर दिखाई दे रहा है, ओ 0 को अभी शो करता है, यही मतलब है कि कॉस 90 की वैल्यू अब यहीं से पिक करके लिख दें, यह आसान हो जाएगा, 0। और टेन 90 की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है, क्योंकि आप अच्छी तरह से बात जानते हैं कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो टेन 90 डिग्री साइन 90 डिग्री ओवर cos 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि जब भी आप ये वाले फॉर्मूले लिखते हैं, सिर्फ आपको एक बात का ख्याल रखना होता है, और वो ये कि जो भी एंगल आपने लिखा है सब जगह पर वो एक ही एंगल आना चाहिए। जहां थीटा लिख दिया वहां सब जगह थीटा दिखाई देना चाहिए, जहां अल्फा लिख दिया वहां सब जगह अल्फा होगा, जहां बीटा वहां सब जगह बीटा, जहां गैमा वहां सब जगह गैमा, यहां 90 तो सब जगह 90। और आप जानते हैं कि साइन 90 तो 1 के इक्वल है, मगर cos 90 0 के इक्वल है, और जब भी किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो वैल्यू इन्फिनिटी के इक्वल होती है। Any amount divided by 0 equals to infinity. लेकिन जब आप किसी भी अमाउंट से 0 को डिवाइड करते हैं तो ये 0 के इक्वल होता है,
क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर नीचे 5 है तो हम जानते हैं 5 जीरो का जीरो होता है, तो ये हमारे पास जवाब आ गया। लेकिन अगर नीचे 0 और ऊपर 5 है तो 0 के टेबल में 5 आप ला ही नहीं सकते, क्योंकि 0 को आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 याद रहेगा, 0 1 0 0 2 0 0 3 0, तो दैट इज वाई ये वैल्यू अनडिफाइंड है, मतलब हमें नहीं पता ना हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 0 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 आए, दैट इज वाई हम इसको इन्फिनिटी कहते हैं। बिल्कुल वैसे अगर यहाँ पर हम बात करें 0 ओवर 5 की, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 1 सा 5 होता है और 5 0 सा 0 होता है, तो दैट इज वाई यहाँ पर इस फ्रैक्शन का जवाब 0 हम देते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो tan 90 डिग्री बनता है 1 ओवर 0, और डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब वो वैल्यू है इन्फिनिटी, तो यहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी आ गई। अब उसके बाद हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन 90 की जो वैल्यू होगी वही कॉस 0 की वैल्यू होगी, क्योंकि साइन और कॉस के रिलेशन होता है कि साइन और कॉस के एंगल्स की वैल्यूज इक्वल आती हैं, उस वक्त इक्वल आती हैं कि जब हम यहाँ पर कोई भी ऐसे एंगल्स लिखें कि जिनका सम 90 बन जाए, फॉर एग्जांपल 90 प्लस 0 या साइन 84 अगर मैं इधर लिख रहा हूं तो मुझे यहां पर 6 डिग्री लिखना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ 70 लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ 20 लिखना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ sin 10 लिख रहा हूँ तो मुझे वहाँ पर cos 80 लिखना पड़ेगा। तो बिल्कुल वैसे अगर sin 90 1 के इक्वल है तो 90 प्लस 0 90 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि cos जो 0 डिग्री है वो 1 के इक्वल होता है, और बिल्कुल वैसे sin 0 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0 के इक्वल होता है, तो जो वैल्यू cos 90 की होगी वही वैल्यू sin 0 की होगी, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। बिल्कुल वैसे अब अगर हम बात करते हैं tan 0 डिग्री की, तो tan 0 डिग्री को कैलकुलेट करने के लिए हम डिवाइड कर सकते हैं sin 0 को cos 0 से, यानी कि 0 ओवर 1, तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि 0 ओवर 1 0 होता है, यही वजह है कि tan 0 डिग्री भी 0 के इक्वल करेगा। बिल्कुल वैसे अब यहाँ पर सिंपल बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रेसिप्रोकल देने होंगे, यानी कि cot की पूरी रॉ अभी मुझे पढ़ा दे दो जी। तो अब हम cot की रॉ को मुकम्मल करेंगे, और cot की रॉ को मुकम्मल करने के लिए हमें तमाम tan की वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेना होगा, तो ये 0 ओवर 1 है तो ये रेसिप्रोकल 1 ओवर 0 होगा, और आप जानते हैं 1 ओवर 0 इंफिनिटी के इक्वल होता है, और बिल्कुल वैसे ही 1 ओवर इंफिनिटी 0 के इक्वल होता है, तो बहरहाल ये इंफिनिटी हो गया, ये रूट 3 ओवर 1 हो गया, 1 ओवर 1 हो गया, ये 1 ओवर रूट 3 हो गया, और ये 1 ओवर इंफिनिटी यानी कि 0 हो जाएगा। तो जब भी इंफिनिटी डिनोमिनेटर में आ जाता है वो पूरी फ्रैक्शन 0 के ऊपर हो जाती है। sec की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हमें तमाम cos की वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेना होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, रूट 3 ओवर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 ओवर रूट 3 होता है, 1 ओवर रूट 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रूट 2 ओवर 1 होता है, नीचे वाले लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ओवर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 ओवर 1 होता है, अगेन हमें नीचे वाले लिखने की जरूरत नहीं है, और 0 ओवर 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर 0 होगा, और आप जानते हैं 1 ओवर 0 इंफिनिटी के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इंफिनिटी। बिल्कुल वैसे कॉसेक की बात करते हैं, तो कॉसेक के लिए तमाम साइन की वैल्यूज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना होगा, अगेन 0 ओवर 1 का इनवर्स 1 ओवर 0 यानी कि इंफिनिटी, ये 2 ओवर 1 यानी कि 2, ये 1 ओवर अंडर रूट 2 यानी कि जस्ट अंडर रूट 2, ये रूट 3 ओवर 2 यानी कि 2 ओवर अंडर रूट 3, और 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही होता है। तो यूं हमारे पास ये तमाम वैल्यूज इस वक्त हमारे सामने आ चुकी हैं, और हम इन वैल्यूज की मदद से मुख्तलिफ जो हमें सिंप्लीफिकेशन के लिए सवाल दिए जाएंगे हम उनको बहुत आसानी से वैल्यूट कर सकेंगे। तो अब यहाँ पर एक और चीज जो कि हमें याद होनी चाहिए वो ये कि 1 ओवर 2 का मतलब होता है 0.5, यानी कि अगर कभी आपको कैलकुलेटर से वैल्यूज मालूम ही करनी पड़ जाए और अगर आपका कैलकुलेटर फ्रैक्शन में वैल्यूज देने के काबिल नहीं है तो फिर आपको ये फ्रैक्शंस इस तरह से जबानी अगर याद है तो आप उनको डेसिमल से खुद ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 0.5 का मतलब होता है 1 ओवर 2, वैसे 0.707 होता है 1 ओवर अंडर रूट 2, बिल्कुल वैसे अंडर रूट 3 ओवर 2 ये बराबर होता है 0.866 के, इसी तरह से 1 ओवर अंडर रूट 3 ये बराबर होता है 0.577 के, बिल्कुल वैसे अंडर रूट 3 ये इक्वल होता है 1.732 के। तो बस ये 5 वैल्यूज हैं, यानी कि 5 वैरायटीज हैं, जिन 5 वैरायटीज पर ये पूरा चार्ट डिपेंडेंट है, यानी कि आपको इस पूरे चार्ट में इन वैल्यूज के अलावा और कोई वैल्यूज नहीं मिलेगी,
और अगर कोई वैल्यू मिलेगी भी तो सिंपल आपको 1 या 0 मिलेगी। और ये जो रूट 3 रूट 2 वगैरह आ रहा है, जाहिर बात है कैलकुलेटर पर तो सिर्फ साइन कॉस या टैन कैलकुलेट किया जाता है, उसकी जो भी वैल्यू आती है फिर आप उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। यही वजह है कि आप सिंपल साइन कॉस टैन की वैल्यूज को फ्रैक्शन में याद कर सकते हैं। दूसरी चीज जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें जानना बहुत जरूरी है, वो ये कि हमें जब सवाल दिए जाएंगे तो वो रेडियन में हमें एंगल्स दिए जाएंगे। तो हमें अभी से पता होना चाहिए कि 0 डिग्री कितना रेडियन होता है, 30 डिग्री कितना रेडियन होता है, 45, 60, 90 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं। तो इन्हीं को हम रेडियन में भी लिखकर देख लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से सब कुछ याद हो जाए और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो आगे वैल्यूज को कैलकुलेट करने में। तो मैं इन्हीं एंगल्स को यहाँ पर रेडियन में भी शो कर रहा हूँ। तो 0 डिग्री यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, आप जानते हैं कि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से डिग्री को मल्टीप्लाई करवाया जाता है। तो 0 से आप जो भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे वो 0 ही आएगा। बिल्कुल वैसे ही जब हम 30 को मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई ओवर 180 से, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 6 18, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू आ गई पाई ओवर 6। बिल्कुल वैसे ही जब आप 45 डिग्री को मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई ओवर 180 से, तो 45 1 45 45 4 180, तो यहाँ पर हमारे पास 45 डिग्री का मतलब आता है पाई ओवर 4। बिल्कुल वैसे ही जब हम 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 3 18, ये हमारे पास बन गया पाई ओवर 3। तो 60 डिग्री का मतलब पाई ओवर 3 होता है। और बिल्कुल वैसे ही जब हम 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9 9 2 18, हमारे पास रिजल्ट आएगा पाई ओवर 2 रेडियन। तो हमने ना सिर्फ इस चार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद किए मुख्तलिफ एंगल्स के लिए, बल्कि हमने उन एंगल्स को यह भी देखा कि उनको हम रेडियंस में कैसे लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।